आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। टीएफसी की तरफ से कमलनगर के होटल जी में एक फैशन शो एवं अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रैंप पर बच्चों ने फैशन डिजाइनर जय गिडवानी द्वारा तैयार किए गए परिधानों को पहनकर कैटवॉक किया। कार्यक्रम में शहर भर से गणमान्य लोग मौजूद रहे। टीएफसी की तरफ से कमलानगर के होटल जी में एक फैशन शो एवं अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रैंप पर बच्चों ने फैशन डिजाइनर जय गिडवानी द्वारा तैयार किए गए परिधानों को पहनकर कैटवॉक किया। टीएफसी के निदेशक नरेंद्र त्रिलोकानी ने बताया कि उनकी कंपनी ने कुछ दिनों पहले बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए शहर में एक ऑनलाइन टैलेंट शो किया था। इस शो में भाग लेने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज जी होटल में यह अवार्ड सेरेमनी एवं फैशन शो का आयोजन किया गया है। मेरा बेटा तरह तरह के इस तरह के इवेंट आगरा के अंदर काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी तो जूम के माध्यम से बच्चों का जो काफ़ी समय से प्रोग्राम चल रहा था जूम के माध्यम से, उनका आज पारिश्रोतम जिसे कहते हैं कि जिन्होंने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से रनर जो प्रोग्राम में भाग लेकर जीते हैं अवार्ड उनका वितरण हो रहा है। कार्यक्रम में बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए शामिल शहर के युवा शू व्यापारी सुधीर भोजवानी ने कहा कि जिस तरह से टीएफसी ने शहर में कोरोना काल के बाद बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए जो टैलेंट सर्च शो किया है वह काबिले तारीफ है। ऑनलाइन सेक्शन लिया गया था, उनको अवार्ड और रिवॉर्ड दिया जाएगा। बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं जो चलना भी ढंग से नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारा प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छी कोई डांस कर रहा है। हर किसी का, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। जी होटल में आयोजित फैशन शो एवं अवार्ड सेरेमनी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को कार्यक्रम आयोजकों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रॉयल लेडीज सिंधी क्लब की अध्यक्ष ललिता करमचंदानी की उपस्थिति विशेष रही। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।